ठीक है सर, वैसे भी छोटा ही पार्ट है ये। हाँ, 1 to 2। ठीक है, ये मेरा क्या है, इसको मैंने n4 to 1। सिर्फ हेडिंग लिख दीजिए सर, तो यहाँ से भी चल जाएगा। कंपैरिजन हाँ, क्या था हेडिंग? एक मिनट। ऑफ एफिशिएंसी। बिटवीन ऑटो डीजल एंड ड्यूल हाँ, साइकिल। कंपैरिजन बिटवीन ऑटो एंड डीजल साइकिल। चलो ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। कंपैरिजन हाँ ठीक है। अभी देखो क्या करना है, प्रोसेस 2 to 3 जो मेरा, 2 to 3, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, n4 to 1, देन ये हो गया मेरा, क्या हो गया, ऑटो साइकिल। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, डीजल पे आते हैं। डीजल में मुझको क्या है, प्रोसेस 2 to, वेट, मुझको ये और नीचे लेना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, 0.223 मतलब ये 4 to 1, नहीं है, देखिए साला जितना बड़ा बना उतना प्रॉब्लम हो रही है। सर, सिर्फ ऑटो और ड्यूल ही कंबाइन कीजिए, डीजल तो समझ गए वैसे। नहीं, वो एक एक तीनों एक में रहेगा तो ज्यादा बेटर है ना। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ऑटो को बना देता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, डुअल को ले लेते हैं। ठीक है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। अब अगर मुझको डुअल पे जाना है, डुअल पे जाना, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 to 3 कॉन्स्टेंट प्रेशर, देन 3 to 4, देन 4 to 1, ऐसा बोल रहे थे ना, 4 to 5 एंड 5 to 1। 4 to 5, 5 to 1। तो हाँ सर, एरिया अंडर द कर्व, हाँ ज्यादा ही आएगा। और अगर मैंने इसको बना दिया 2 to 3, देन 2 to 3, सर थ्री टू 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 थ्री लेकिन मतलब हाँ हॉरिजॉन्टल आएगा हाँ 2 to 3 ये हॉरिजेंटल ही है, ना? अच्छा हाँ, ये हॉरिजेंटल ही है। अच्छा देखो फिर तो यार, नहीं सर, अगर 2 to 3 अगर सर हॉरिजॉन्टल बनता है तो प्रेशर V3 एंड V2 सेम हो जाएगा ना फिर? कौन सा ये प्रेशर? बनोले मनु चले रहे टीम अच्छा, आपने ये डीजल साइकिल एक्चुअली बनाया क्या? हाँ हाँ ये हाँ डीजल हाँ है, ये डीजल डीजल साइकिल। है, अच्छा ओके ओके ठीक है। ये हाँ यहाँ से सर, बट आपका डीजल है। वो जो वो ड्यूअल साइकिल है, बट वो सेम लाइन सेम कर्व पे नहीं आएगा ना? थ्री टू हाँ फोर यही मतलब एक रीजन, वही मैं बोलने फॉलिंग जा रहा था। अभी वाला। देखो मैं वही बोलने जा रहा था कि अगर ऐसा आप देख रहे हैं कि डीजल साइकिल को यहाँ तक लाना है हमको, तो सॉरी डुअल को, तो ये भी तो हो सकता है कि फिर डीजल साइकिल को और यहाँ बाहर लेके जाओ, है ना, कर्व के, समझ रहे हो? देखो पॉइंट हाँ टू से पॉइंट बराबर। थ्री मैंने इस कर्व पे लेके आया हूँ, ठीक है, मैं ऑटो साइकिल ही कर्व पर, उसके बाद मैंने 3 to 4 किया। अब अगर ऐसा है कि मुझको इस कर्व के बाहर जाना है, तो फिर ये पॉइंट थ्री जो है, मैं यहाँ कहीं पॉइंट थ्री यहाँ ले सकता हूँ, फिर ये अगेन इसका एरिया बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस हाँ कर्व में रहना, अगर इस कर्व में मुझको रहना है तो 0.3 से नीचे ही कहीं ना कहीं आना पड़ेगा मुझको, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम लेके, क्योंकि 0.4 पे, 0.3 अगर उसके बाद मैं कांस्टेंट प्रेशर ले रहा हूँ तो मैं कर्व के बाहर जा रहा हूँ। तो 0.2 से 0.3 मुझे इस किसी लाइन में, यहाँ सपोज मैंने अगर 0.3 डैश ले लिया, फिर अगेन कांस्टेंट प्रेशर ये रहेगा। तो देखो ये हमारा ऑटो का हो गया, ये डुअल का हो गया, ये डीजल का हो गया, है ना। इसका मतलब ये कि जो ग्राफ कर्व जो हम बना रहे हो, वो इस ग्राफ के अंदर ही होना चाहिए, है ना। ओके समझे सर। हाँ, तो इस अगर आप देखेंगे, अब अगर हम देख रहे हैं, तो हमारे पास ये जो है पूरा, ये है मेरा डीजल का, ये जो है मेरा डुअल का है, और उसके बाद ये जो है पूरा, ये पूरा मेरे पास ऑटो का है। तो इसका मतलब ये कि ऑटो का जो है वो डुअल से ज्यादा, और डुअल का जो है डीजल से ज्यादा। किसके लिए कंडीशन में? हीट रिजेक्शन और कंप्रेशन जो प्रोसेस अगर मैंने कंप्रेशन कॉन्स्टेंट रेशियो रखा तो। सेम ना? हाँ, अब अगर देखते हैं, अब जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि फॉर मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, अगर इसको मैंने कांस्टेंट रखा, फॉर
फॉर मैक्सिमम कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर इन दोनों को मैंने कॉन्स्टेंट रखा तो देखो क्या बनता है, ठीक है। पीवी डायग्राम बनाते हैं, और टीएस डायग्राम बनाते हैं, दोनों में ही देखते हैं, ट्राई करते हैं बनता है क्या कुछ। टीएस डायग्राम, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम प्रेशर क्या हो सकता है, सपोज मैक्सिमम प्रेशर जो है मैंने सपोज ले लिया है 0.2, ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम प्रेशर है, इसके ऊपर मेरा जाने वाला नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो 0.1 सपोज मैं यहाँ पे कोई एक 0.1 लेता हूँ जहां से मेरा कॉम्प्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 0.1 से मैं क्या करता हूँ 0.2 मैक्सिमम प्रेशर तक जाता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम अभी यहाँ पर मुझे कॉम्प्रेशन रेशो का कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, कॉम्प्रेशन रेशो मेरे को कॉन्स्टेंट या कुछ भी चाहिए, कॉम्प्रेशन रेशो कितना भी जा सकता है, ठीक है, 1:2, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्रेशन रेशो दिखाएगा। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि 2 के बाहर नहीं जा सकता, ये पॉइंट 2 के बाहर नहीं आ सकता, मतलब प्रेशर यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर प्रेशर का प्रेशर इसके बाहर नहीं जा सकता तो प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख लेते हैं, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब 0.2 से 3 है, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर को ये इससे ज्यादा प्रेशर तो जा नहीं सकता, तो मैंने क्या कर लिया, प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख लिया। तो अब मेरे पास जो साइकिल बनकर आ रही है वो डीजल साइकिल बनकर आ रही है, तो एक काम करते हैं डीजल साइकिल ही बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हीट रिजेक्शन 3 to 4, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ पर लिखो कॉन्स्टेंट हीट रिजेक्शन, कॉन्स्टेंट हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन भी कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट और हीट रिजेक्शन कॉन्स्टेंट। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस केस में था हमारे पास हीट रिजेक्शन तो कॉन्स्टेंट था लेकिन कॉम्प्रेशन रेशो सेम रखा था, और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, मैक्सिमम प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर मैंने कॉन्स्टेंट रख लिया, ये मैक्सिमम प्रेशर मेरा था, तो प्रेशर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट प्रेशर से मेरे को मालूम है एक ग्राफ मेरे पास बनती है, डीजल बनती है, तो मैंने कॉन्स्टेंट प्रेशर पर एक ग्राफ बना दी, प्लॉट कर दी, उसको बोल दिया डीजल साइकिल, ठीक है। और ये जो है प्रोसेस 4:1 हमारे पास कॉन्स्टेंट हीट रिजेक्शन। अब क्या है, अगर मुझे ये पता है कि मेरे पास कॉम्प्रेशन रेशो कॉन्स्टेंट रखने की कोई भी बात नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0.3 से नीचे पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, इसको बोलता हूँ 2-, ठीक है। अब मेरा कॉम्प्रेशन रेशो जो हो गया ये B2 है, ये B1 है, ठीक है। अब कॉम्प्रेशन रेशो जो हो गया मेरा V1/V2 हो गया, पहले क्या था मेरा कॉम्प्रेशन रेशो V1/V2 था, ठीक है, मतलब कॉम्प्रेशन रेशो से मैंने छेड़छाड़ कर दी है। तो अब मुझे जो ग्राफ मिलकर आ रही है 0.1 to 2-3, 2-3 एंड 3-4, ये क्या बनकर आ रही है, ऑटो साइकिल है ना, ठीक है। अब देखते हैं ड्यूअल साइकिल को, ड्यूअल साइकिल में अब क्या होती है हमारे पास, ड्यूअल साइकिल में हमारे पास जो है कि प्रोसेस 1:2, तो चलो हम उसको कॉम्प्रेशन रेशो देगा 0.2, 2:3 जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है ना, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। एंड 2:3 मतलब देखो कुछ इस तरह बनता है ना हमारे पास, पीवी डायग्राम फॉर डीजल साइकिल कुछ इस तरह होता है ना, इस तरह होता है ना सर, ड्यूअल ना, हाँ बोलो, ड्यूअल साइकिल ना, हाँ ड्यूअल, एक प्रोसेस 1:2, 2:3 क्या है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और 3:4 पे कांस्टेंट प्रेशर पर। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर मतलब मैक्सिमम प्रेशर जाना है मुझको, तो मैक्सिमम प्रेशर चलो ये हो जाता है, ठीक है, ये लाइन है मेरी मैक्सिमम प्रेशर की। अब इस पॉइंट पर मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक ले लेता हूँ, क्योंकि देखो ये 4 के 3 के बाहर तो जा नहीं सकता, और 2 के इस साइड में नहीं जा सकता, तो मुझको इसी पॉइंट पर कहीं एक पॉइंट लेना, सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर 3-, ठीक है। इस 3-, से मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे आने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा 2-, तो प्रोसेस 1 से 2-, 2-से 3-, 3-से यहाँ पर 3, देन 4 एंड ये। तो ये जो है ग्रीन में मेरे को क्या दे रहा है, ड्यूअल साइकिल दे रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये जो इतना एरिया है, इतना एरिया ये मेरे को दे रहा है ऑटो साइकिल के लिए हीट डब्ल्यू नेट, ये जो एरिया है इतना एरिया ये मुझको दे रहा है ड्यूअल साइकिल के लिए, और ये जो पूरा है पूरा ये मुझको क्या दे रहा है, डीजल के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, उसको एक लिमिट दे दी, और हीट रिजेक्शन सेम रखा, तो इस कंडीशन में डीजल साइकिल की इफिशियंसी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी किससे, ड्यूअल से, और ड्यूअल की किससे ज्यादा रहेगी, ऑटो से। क्लियर है, इसका ये मतलब है कि अगर मुझे कभी क्वेश्चन में ये दिखा कि
कंपैरिजन के लिए पूछा तीन इफिशियंसीज और मुझे ये बोला कि हीट रिजेक्शन सेम है, तो हीट रिजेक्शन सेम है, चलो ठीक है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो मुझे ध्यान क्या रखना है कि मुझे क्वेश्चन में एक और चीज क्या बोला है, कंप्रेशन रेशियो सेम बोला है कि मैक्सिमम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट बोला है। अगर मेरे पास ये बोला कंप्रेशन रेशियो सेम है, तो कंप्रेशन रेशियो सेम है इसका मतलब ये कि ऑटो की इफिशियंसी ज्यादा है डीजल से और ड्यूल की दोनों के बीच की, और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बोला इसका मतलब यह है कि डीजल की इफिशियंसी ज्यादा ऑटो से और उन दोनों के बीच की क्या है, ड्यूल की है, ठीक है। सो देखो, ठीक है, अभी देखो, तो आज का जो था कार्यक्रम वो क्या क्या था, सबसे पहली चीज तो ये थी कि सबसे पहली चीज हमने देखी कि व्हाट इज इंजन, ठीक है, इंजन का, इंजन क्या था, इंजन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस जिसमें हमारे पास थर्मल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसमें हमारे पास देखा हमने कि दो टाइप हमारे पास, एक तो है एक्सटर्नल, एक तो है इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो हम बोलेंगे जिसमें हमारे पास कंबशन चैम्बर जो होता है वो बाहर होता है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस के, और इंटरनल कंबशन में उसी डिवाइस के अंदर हमारे पास होता है, ठीक है, कंबशन। इंटरनल कंबशन सिलेबस में नहीं है ना सर? नहीं, एक्सटर्नल नहीं है। अब इंटरनल कंबशन इंजन जो हमारे पास दो टाइप के, एक तो है SI इंजन, एक है CI इंजन, ठीक है। तो ऐसा इंजन जो है जिसको हम स्पार्क इग्निशन बोलते हैं, जिसमें जो जिसके लिए जो साइकिल हमारे पास ऑटो साइकिल, और CI के लिए जो हमारे पास साइकिल है वो डीजल साइकिल, ठीक है। अब ऐसा इंजन में हमारे पास जो होता है वो स्पार्क प्लग होता है जिससे हम इग्नाइट करते हैं, CI इंजन में हमारे पास कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई होता है तो हम फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं जिससे हमारे पास इग्निशन होता है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो है ड्यूल साइकिल, ठीक है, वो क्या है, ड्यूल साइकिल। तो अब जो है हमारे पास ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूअल साइकिल, इन तीनों की हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, इन दोनों की ग्राफ है, पीवी डायग्राम है, टीएस डायग्राम है, पीवी एंड टीएस, ये हमको ध्यान में रखना है तीनों ग्राफ को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, वो सारे सारे फॉर्मूलेज को याद रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। थर्मल ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद जो टॉपिक हमारे पास था वो था क्या, हमारे पास कंपेरिजन, अगर हम इफिशियंसी निकाल ले तो तीनों की इफिशियंसी का कंपेरिजन। तो एक चीज मुझे पता है कि हीट रिजेक्शन तो चलो सब में सेम है, अगर कंप्रेशन रेशियो सेम रहा तो ऑटो साइकिल जो है उसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो डीजल की इफिशियंसी सबसे ज्यादा। क्लियर है? यस सर। ओके, अभी जो है, अभी जो हमारे पास टॉपिक बचा है, टॉपिक जो बचा है उसमें ये है, सबसे पहला एक है थर्मोकेमिस्ट्री। अभी देखो तुमने क्वेश्चंस अगर सॉल्व करोगे तुमको पता होगा कि फ्यूल के कंबशन के ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस आती है, उसमें पूछता है नाइट्रोजन का परसेंटेज मोल, एयर फ्यूल रेशियो वगैरह वगैरह ना, तो उसमें थर्मल केमिस्ट्री में वो सारी चीजें देख लेंगे वो। और दूसरा जो हम देखने वाले हैं वो इंजन परफॉर्मेंस, ठीक है, इंजन परफॉर्मेंस। ये दो टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है। अभी तो हमने IC इंजन का स्टार्टिंग का बेसिक तो देख लिया, बेसिक देख लिया है, थर्मोकेमिस्ट्री और इंजन परफॉर्मेंस बचा है, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी 2 मार्क्स के, ठीक है, मतलब एवरी ईयर नहीं है बट अभी रिसेंट में कई बार पूछा है 2 मार्क्स के क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री के। इंजन परफॉर्मेंस से एक क्वेश्चन पूछता है, और ऑटो और ड्यूअल साइकिल जो है, ऑटो और डीजल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फ्रॉम 3 to 2 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएगा। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक 2 मार्क्स का आएगा, एक मार्क्स का आएगा, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो वो 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, मतलब 2 से 3 मार्क्स का इसका वेटेज। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो मोस्टली जो होता है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, जिसमें डीजल और ऑटो के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, और इनमें से इंजन परफॉर्मेंस या थर्मोकेमिस्ट्री में से एक पूछा तो पूछा, ठीक है। सो जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स और टॉपिक्स है वो सारे कवर करेंगे इसमें IC इंजन में। IC इंजन एक्चुअल में है तो बहुत वास्ट, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे टॉपिक को जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। सो आज जो है इतने बेसिक हुआ है, इस पर कल क्वेश्चन लेंगे और थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इंजन परफॉर्मेंस भी कल ही ट्राई करेंगे खत्म करने का, होना चाहिए कल ही, क्लियर है? क्योंकि आज आज क्या था, आज एक्चुअली में रेडिएशन के ऊपर चला गया स्टार्ट का पॉइंट, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, अदरवाइज आज थर्मोकेमिस्ट्री भी हो जाता था, बट ठीक है। अभी तुम्हारा क्या है वो है ना,